हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश में क्लास 10 के इंग्लिश बुक में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक चैप्टर डिलीट हुए हैं, पोयम डिलीट हुए हैं, ग्रामर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है आज मैं आपको वो भी बता दूंगा, और कौन कौन सा नहीं डिलीट हुआ, कौन कौन सा एग्जाम में आएगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, पहले अगर ग्रामर पोर्शन की बात किया जाए तो ग्रामर पोर्शन में पहला क्या है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस डिलीट हो गया। यानी एक्टिव पैसिव जो होता था ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता था, तो अब वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खत्म हो गया, वो नहीं आएगा, ठीक है। क्लॉजेज जो है, क्लॉजेज सेकेंड नंबर जो है, क्लॉजेज में नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशन, टाइम, रिलेटिव, ये सब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट फॉर क्लास 10, यानी उस चैप्टर से जो ग्रामर के पोर्शन, उस बुक से क्वेश्चन जो पूछे जाते थे ग्रामर में, वो भी नहीं पूछेंगे। अब क्या पूछे जाएंगे, ये सवाल उठता है। तो क्या क्या पूछे जाएंगे, एक होता है ना जंबल वर्ड, इज आगे हो जाएगा, एम वगैरह आगे पीछे लिखा रहता है, उसको सीधा सेंटेंस में लिखना होता है, तो हम लोगों में वो आता था, तो वो आएगा, एक जंबल वर्ड आएगा। फिर सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, टेंस भरना पड़ेगा, वो आएगा इसी तरह, ठीक है। तो प्रीपोजिशंस नहीं होगा, बस टेंस वगैरह आएगा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा आपको मैं बता दिया, ग्रामर में जंबल वर्ड आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा टेंस में, फिर पूछेगा ये ओमिशन एडिशन आएगा, वहाँ ये तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ओमिशन एडिशन आएगा कि नहीं आएगा। ओमिशन एडिशन आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। ओमिशन यानी सेंटेंस में कुछ चीज ओमिट किया हुआ, यानी गलत लिखा हुआ, तो उसको सुधारना होता है, एडिट करना होता है एडिशन में। तो अब ये आपको पता चल गया क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में आता है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक में क्या है, पहला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये पोयम है, आपको मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अपना टिक मार लीजिएगा कौन सा है और कौन सा नहीं है, दिखा दे रहा हूँ, लोड हो रहा है, थोड़ा सा पीडीएफ है। तो देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक पोयम है, ठीक है। तो ये वाला नहीं आएगा, आप अपना कट कर लीजिएगा, ये पोयम नहीं आएगा, ठीक है। अपना बुक में कट कर लीजिएगा, ये चैप्टर काट लीजिएगा कि इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर है तो दूसरा पोयम एक और है, ट्रीज को नहीं पढ़ना है। दिखा देते हैं आपको इंडेक्स में एनसीईआरटी बुक्स के कि ट्रीज कहाँ पे है। तो ये है पोयम ट्रीज, जो एड्रीने रिच के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ट्रीज को अब आप टिक मार लीजिए या फिर ऐसे काट दीजिए कि इसको, इस पोयम को नहीं पढ़ना है मुझको, ठीक है। नेक्स्ट पोयम क्या है, फॉग बहुत ही छोटा और इजी पोयम था, जिसको डिलीट कर दिया CBSE, सोचा कि इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी पोयम है, पोयम ही हटा दिया, चैप्टर एक हटाया है, ज़्यादा नहीं, एक हटाया, पोयम ज़्यादा हटाया। तो आप फॉग को टिक कर लीजिएगा अपने बुक में कि फॉग नहीं आएगा, ठीक है। चार लाइन का तो पोयम ही है। नेक्स्ट चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, नहीं आएगा, एक चैप्टर हटा है, मिजबिल द ऑटर, पूरा चैप्टर ही हट गया, ठीक है। मिजबिल द ऑटर चैप्टर नंबर 8, ये कट कर लीजिएगा अपने बुक में, आप हमेशा टिक कर लीजिए, आपको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, अपना बुक निकालिए और टिक कर लीजिए, इसलिए तो मैं आपको बुक में भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सा पोयम है फर्स्ट फ्लाइट बुक का, तो फॉर एन ए ग्रिगोरी, ठीक है, फॉर एन ए ग्रिगोरी भी नहीं आएगा, पोयम है ये पोयम। तो कहाँ पे है ये पोयम आपको बता देते हैं, ये देखिए 10 का चैप्टर 10 का पोयम, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको टिक कर लीजिए कौन सा है, एन ए ग्रिगोरी, ये नहीं आएगा पोयम। अब इस चैप्टर से बस इतना ही डिलीट हुआ है, इस बुक से फर्स्ट फ्लाइट बुक से इतना ही डिलीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, क्या कौन सा डिलीट हो गया है, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द बुक दैट सेव्ड अर्थ, ठीक है। तो देखते हैं वो बुक में कौन सा है, द मिडनाइट विजिटर, पहले हमको वो बुक खोलना पड़ेगा ना गाइस, ऐसे तो है नहीं, एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा। तो गाइज, मैं आपको इतना तो बता दे रहा हूँ, बुक में खोज करके आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा कहाँ पे डिलीट हुआ है, और सब यूट्यूबर का देखा हूँ तो वो सिर्फ पीडीएफ ही बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा डिलीट हुआ है, कौन कौन सा नहीं,
तो बच्चे थोड़ी जानते हैं। तो आपको क्या था, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट था, मिडनाइट विजिटर था, ये दो चैप्टर था और एक था, रुकिए देखते हूँ एक सेकेंड कौन सा था। पहला है द मिडनाइट विजिटर, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आएगा, मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पे कौन सा है, मिडनाइट विजिटर चैप्टर थ्री गाइस, देखिए यहाँ टिक मार लीजिए, ये चैप्टर नहीं आएगा, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, इसके तरफ देखूंगा क्यों, आएगा ही नहीं तो देखना ही नहीं है गाइस, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आएगा। द मिडनाइट विजिटर टिक कर लीजिए, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट टिक कर लीजिए, ठीक है, दिखा देते हैं। दूसरा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा, उसको देखना ही नहीं है, चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर ये नहीं आएगा, ठीक है। और एक लास्ट है द बुक डेट सेव द अर्थ, सबसे फालतू चैप्टर है, मैं पढ़ा था ना एकदम फालतू चैप्टर, कुछ समझ ही नहीं आता था, ये चैप्टर अच्छा क्या सीबीएसई आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये तो अच्छा है, खुशी मनाइए, ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा, चैप्टर 10 और चैप्टर 3 एंड 4 टिक कर लीजिएगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, ठीक है। तो ये आपको मैंने बुक को सामने ला करके दिखा दिया, टिक करवा दिया कि कौन कौन सा नहीं पढ़ना है और कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में भी बता दिया कि कौन कौन सा आएगा कौन कौन सा नहीं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। गाइज अभी तो आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए, तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का भी बता दूंगा और जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है उस पर बेस्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी चैप्टर बता दूंगा कौन कौन सा कैसे पढ़ना है, न्यू सिलेबस बेस्ड आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर।